व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम आज बहुत इंपॉर्टेंट मगर बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो यंग जनरेशन है, यूथ है, और मैं देखती हूँ अक्सर वो बहुत आम से प्रॉब्लम्स में जो है वो फंसे हुए होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो खासतौर पर उनकी थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, जो कि सेक्सुअलिटी के बारे में होते हैं, और बहुत सारे ऐसे गलत अवहम होते हैं जो कि उनकी सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि लोग जिनकी ज़िंदगी जो है लाइक न्यूली वेड कपल्स हैं, मगर अभी एक दो साल के बाद ही उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो जाती है, सेक्सुअल लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली हो जाती है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या परफॉर्मेंस लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, डर और खौफ जो है बहुत ज़्यादा बैठना शुरू हो जाता है, या फिर अगर कोई न्यूली वेडिंग जो है जिनकी होने वाली है वो भी ऑलरेडी इस चीज़ के प्रेशर में बहुत ज़्यादा होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम यूजुअली कहते तो ये हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअलिटी जो है वो किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ 20% जो है वो होती है, बाकी 80% दूसरी चीज़ें होती हैं। बट लेट मी टेल यू अनदर ट्रूथ अबाउट दिस, सेक्सुअलिटी बिल्कुल 20% होती है, मगर जब ये 20% रिलेशनशिप जो है आपका, यानी आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आपके पार्टनर के साथ अच्छा ना हो, सेटिस्फैक्ट्री ना हो, उसमें आपका प्लेजर ना हो, या आप खुद उससे मुतमइन ना हो, या आपका पार्टनर उससे मुतमइन ना हो, या आप डर और खौफ की हालत में उसको कर रहे हो, तो वो रिलेशनशिप जो है वो 20% की बजाय 80% इफेक्ट करना शुरू कर देता है आपके रिलेशनशिप को, यानी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है वो 80% इफेक्ट होना शुरू हो जाती है अगर लोगों की सेक्सुअल लाइफ जो है वो बेहतर ना हो या वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड ना हो। सो आज की हमारी इस वीडियो में हम बिल्कुल कुछ ऐसे ही थॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी भी कह चुकी हूँ कि मोस्टली जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो नफ्सियात के साथ है, यानी वो नफ्सियाती ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत प्रैक्टिसेस हैं लोगों की, और बहुत कुछ जो है वो उसके अंदर आता है। सो 80% सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो नफ्सियाती हैं, यानी साइकोलॉजिकल हैं, मगर एट द सेम टाइम इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि फिजियोलॉजिकली या मेडिकली लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, मगर वो 20% होते हैं। और उन 20% में भी लोगों को जो है वो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाने की, यानी साइकोलॉजिस्ट के पास या सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज चाहे आपको मेडिकली या नफ्सियाती तौर पर जिनसी प्रॉब्लम हो गया हो, आपको दोनों सूरतों में आपकी नफ्सियात जो है उसे इफेक्ट होती है, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आपके रवैयों में तब्दीली आती है, आपका दिल में भी ना करता हो, आपको डर और खौफ हो, तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको नफ्सियाती हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो आज की हमारी इस वीडियो में हम खास तौर पे उन 5 बेसिक थॉट्स की बात करेंगे जो इंसान की सेक्सुअल लाइफ को बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देते हैं, यानी उनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां जो हैं बर्बाद हो जाती हैं, लोगों की परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाती है, लोग बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते। जब आप मेडिकली उनको देखते हैं तो पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, मगर कुछ ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में ऐसे जुड़े हुए होते हैं जो कि उनको सेक्सुअली बिल्कुल जो है उनकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं, उनको फारिग कर देते हैं, और वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एक्चुअली बहुत सारे टाइम के ऊपर हमें नज़र आता है कि जी सेक्सुअलिटी जो है वो हमें बज़ाहरी तो ये पता चलता है कि जी आप परफॉर्म करें, आपका जो है वो ऑर्गन जो है वो ठीक होना चाहिए, या आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए, मगर वो इंटरनल सिस्टम जो हमारा होता है उसका बहुत गहरा ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ होता है। अनटिल अनलेस आपके थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं, अगर आप सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं, अगर आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप सेक्सुअली परफॉर्म भी ज़्यादा बेहतर तौर पे नहीं कर पाते। सो यानी सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल एक्टिविटी या जिंसी कारकर्दगी जो है, या जो ताल्लुक अज़दवाजी ताल्लुक जो है वो उसका ताल्लुक, उसका कायम करने का जो ताल्लुक है वो आपके दिमाग के साथ है। यानी अगर आप जितना ज़्यादा आप दिमागी तौर पर पुरसकून होते हैं, आप पॉजिटिव, आप उतना ही ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म करवाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 5 ऐसे थॉट्स की बात करेंगे जो कि मोर और लेस हर इंसान उसको एक्सपीरियंस करता है। हर इंसान के एक्सपीरियंस करने का मतलब ये कि मेजोरिटी ऑफ पीपल दे एक्सपीरियंस दिस, और उनकी वजह से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में और आते हैं, या वो सेक्सुअली अपने आप को प्रॉब्लम में फील करते हैं। सबसे पहला जो एक बड़ा कॉमन सा थॉट है जो कि आपके दिमाग को हाईजैक कर जाता है वो ये है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, यानी मुझसे नहीं होगा। जब और आप हर वक्त इस दिमाग इस
थॉट को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, और ये थॉट जो है अल्टीमेटली, जैसे मैंने कहा कि आपका दिमाग जो है वो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को 100% कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, यानी उसको जो आप कहेंगे अपने दिमाग को, आपका दिमाग वही करना शुरू कर देता है। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप अल्टीमेटली वाक्य ही नहीं कर सकते, चाहे आप जिस्मानी तौर पे जो है वो ठीक ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग को बता दिया है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर वो आपसे परफॉर्म भी नहीं होता, और डर जो है आपके दिमाग में बैठा हुआ होता है, वही डर आपको कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा एक जो है बड़ा फियर जो लोगों का होता है यूजुअली, वो ये है कि मे बी जब मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब जब आपके पास टाइम आता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ जो है ताल्लुक, इज़दवाजी ताल्लुक जो इस्तवार करना है, और आप पहले से ये सोचे हुए हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, तो यकीनी तौर पे आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने दिमाग को तैयार कर लिया हुआ है कि आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं अगर एक और जो थॉट आता है वो ये है कि अगर मैं ये ना कर सका तो क्या होगा, यानी अगर मुझसे ये ना हो सका तो क्या होगा, ये वाला थॉट जो है ये भी आपके दिमाग को जुड़ा हुआ होता है। ये यूजुअली आपको इस सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने से पहले ही आपको ये डर आपके दिल में बैठाना शुरू कर देता है कि जी मैं अगर ना कर सका तो क्या होगा। एंड देन एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट अक्सर बड़ा कॉमन जो है वो थॉट लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि मैं मैस्टरबेट करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो मुझे इरेक्शन, या मैं इनफर्टाइल हो चुका हूँ, या मेरी ताकत जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। इसके अलावा जो है एक और थॉट जो बड़ा कॉमन यंग जनरेशन जो है वो आके रिपोर्ट करती है, वो ये है कि मुझे इरेक्शन नहीं होगी, यानी अकड़ाव और सख्ती और तनाव जो है वो नहीं होगा, यानी इरेक्शन जो है वो नहीं होगी, या मेरी इरेक्शन अभी ख़त्म हो जाएगी, अभी इरेक्शन ख़त्म हो रही है। ये वो कॉमन थॉट्स हैं जो कि हमारे जहनों को हर वक्त हाईजेक किए रखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम सिर्फ उस आदमी को आदमी समझते हैं जो सेक्सुअली परफॉर्म कर पाता है, और उस औरत को औरत समझते हैं जो कोई बच्चा पैदा करती है। इसके अलावा हमारे लिए मर्द और औरत का जो कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं कि ये लोग मकम्मल नहीं है, जो कि हमारी सोसाइटी की, मैं समझती हूँ, एक बहुत ही नेगेटिव साइड है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी सोसाइटी में जिस तरह से लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, दिस इज़ द डिलेमा ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली। इन छोटे छोटे थॉट्स की वजह से, और ये जो पांच थॉट्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताए, इन थॉट्स की वजह से लोगों की ज़िंदगी, उनकी सेक्सुअल लाइफ, उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेजरेबल हो जाती है। आप बिल्कुल वही करेंगे जो आपका दिमाग आपको कहेगा करने को। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, तो आप नेगेटिव ही परफॉर्म करेंगे, आप कभी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप अपने दिमाग को ये थॉट देंगे कि यस आई कैन डू इट, मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, और फिर आप उसको पिक्चर कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो आप पिक्चर कर सकते हैं वही आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। सो सेक्सुअली भी आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म करता हुआ पिक्चर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके, और अपने आप को इस तरह के गलत किस्म के जो है वो ख्यालात, अभाम, मिथ सुन के सुपुर्द मत कीजिए। आप इंसान हैं और आप बहुत ताकतवर हैं, अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी हुई है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। आप अशरफुल मखलूकात और अल्लाह ताला ने आपके अंदर बहुत ताकत पैदा की है। ये जो दिमाग उसने आपको दिया है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसके साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आपने जोगियों को कभी देखा, वो दिनों तक भूखे रह सकते हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी बहुत बेहतर होती है, ये सुना जाता है, दे आर द बेस्ट वंस। तो एक तो सबसे पहले जो है अपनी सेक्सुअलिटी को बेहतर करने के तरीके जो है वो ज़रूर सोचिए, और उनको सीखिए, तरीके जो है ज़रूर सीखिए। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश कीजिए, कोशिश करें कि आप किसी एक्सपर्ट से जो है इन्फॉर्मेशन लें, और अपनी सेक्सुअलिटी को बेहतर करने की कोशिश जो है वो कीजिए। बिकॉज सेक्सुअलिटी, मैंने जैसे कहा, या सेक्स जो मैंने कहा, सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट हाउ योर माइंड इज़ थिंकिंग, आपका दिमाग कैसे सोच रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट।
और आपने अपने दिमाग को कौन से थॉट्स जो हैं वो देने हैं उनके बारे में ज़रूर सीखिए। पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी जो है, आपका ताल्लुक जो है, जो रिश्ता इज़दवाज आपने बनाया है वो बहुत बेहतर और पुरसकून हो सके। सो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए और फिर अपने पार्टनर की चीज़ों को जो है बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स दीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर आप हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन टॉपिक्स को आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो बेसिक एक प्रॉब्लम है वो है इन्फॉर्मेशन का। तो काइंडली अगर आपके तवस्त से किसी और की हेल्प इस वीडियो से हो सकती है या हमारी और बहुत सारी वीडियोस के ज़रिए हो सकती है तो शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये पैगाम ज़रूर पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।